सुनिए ना, वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा, घंटी को भी टंटना दीजिएगा, ठीक है ना? और आज मैं आपको लेकर आई हूँ एक बहुत ही कमाल की जगह पे, दैट इज BBT, बेस्ट बाइट्स इन टाउन। देखिए, हम सबको पता है कि राइट नाउ पटना में स्ट्रीट फूड का कल्चर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन नॉर्मली स्ट्रीट फूड में हमें क्या मिलता है आप बताओ? मोमोज एंड गोलगप्पे, और वैसे तो आजकल काफ़ी ज़्यादा वेराइटीज़ मिलने लगी है, लेकिन मैं अपनी वीडियो की बात करूँगी। आज हम जहाँ आए हैं, यहाँ हमें पिज़्ज़ा मिलेगा, और वो भी बहुत ही इको फ्रेंडली तरीके से, यानी कि कुल्हड़ में पिज़्ज़ा। जी हाँ, एक से एक नई नई चीज़ें आ रही है पटना में, और उन सब में ये देख लो, एक मतलब कमाल की चीज़ है, ये देखो कुल्हड़ में पिज़्ज़ा मिला है। या कुल्हड़ में ना सिर्फ पिज़्ज़ा बल्कि कुल्हड़ में मोमो, कुल्हड़ में पास्ता, सब कुछ है यहाँ पे। यानी एकदम इको फ्रेंडली वाला स्टॉल है जहाँ हम लोग आज आए हैं, दैट इज़ बेस्ट बाइट्स इन टाउन। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको एड्रेस बता देती हूँ कि भाई बेस्ट बाइट्स इन टाउन है कहाँ पे। तो ये जो है वेंडिंग जोन में है, बोरिंग रोड, ओके, प्रांजल अपार्टमेंट के एकदम सामने। और नहीं तो मैं एक बोलूंगी, एक साइड उसके प्रांजल अपार्टमेंट है और एक साइड है वन प्लस का शोरूम, उसके बिल्कुल सामने वेंडिंग जोन में आपको मिल जाएगा बेस्ट बाइट्स इन टाउन। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कितना अफोर्डेबल है ये। भाई सामने ही आपको दिख रहा है कोन पिज्ज़ा, यहाँ पे आपको 49 रुपीज़ में मिलेगा, यानी कि मेन्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 50 रुपीज़ ओनली। तो दिल थाम के बैठिए, मैं आपको दिखाने वाली हूँ यहाँ की मेन्यू, यहाँ की फूड आइटम्स, और क्या कमाल की चीज़ें आपको यहाँ पे मिल सकती हैं। सो गाइज, उससे पहले मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक तो करना बनता है बॉस। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बार वापस से एड्रेस बता देती हूँ। सामने आपको वन प्लस शोरूम दिख रहा है, उसके जस्ट बगल में है 56 भोग, और राइट नाउ मैं हूँ बोरिंग रोड में। ये देख लीजिए, ये है वेंडिंग जोन जहाँ अंदर आके आपको मिल जाएगा बेस्ट बाइट्स इन टाउन, जहाँ पे आपको मिलेगा कोन पिज्ज़ा और भी बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें। ये देख लो, ये सामने ये लगा हुआ है, कुल्हड़ पिज्ज़ा है, कुल्हड़ पास्ता है, कुल्हड़ मैगी है, कुल्हड़ ब्राउनी आइसक्रीम भी है। तो भाई अब पटनाइट्स को सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अपनी यू नो शामें कहाँ जाके बितानी है। भाई BBT तो है ही आपका फेवरेट, और अगर नहीं है तो बहुत जल्द बनने ही वाला, क्योंकि अभी मैं आपको दिखाऊंगी मेन्यू। आप मेन्यू के प्राइसेस और आइटम्स दोनों पे ध्यान दो, कितना सस्ता है। लाइक 100 के अंदर आपको इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं। चिकन सूप 79 है, चिल्ली पोटैटो वगैरह। ऐसा नहीं आपको यहाँ पे सिर्फ पिज़्ज़ा मिलेगा, आइटम्स यहाँ पे बहुत सारे हैं, इवन प्लैटर भी है। और आप देखो 200 रुपीज़ में आपको पूरा इतने सारे आइटम्स का एक प्लैटर मिलेगा गाइस, तो कितना स्टूडेंट फ्रेंडली है ये। प्लस यहाँ पे मोमोज, पास्ता, कॉफ़ी सब कुछ अवेलेबल है। बट आई एम डेफिनेटली गोना रिकमेंड यू कि भाई जिस चीज़ के लिए ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो तो आपको ट्राई करना बनता है, एंड दैट इज़ कुल्हड़ स्पेशल, जो कि 99 रुपीज़ में ही सारी चीजें आपके सामने हाजिर है। तो आइए आपको ले चलते हैं किचन के अंदर जहां हो रही है मेकिंग इन प्रोग्रेस, और अभी बनने वाला है कोन पिज्जा। सबसे पहले मैंने सोचा क्यों ना वही ट्राई करूं, भाई वही इनकी स्पेशलिटी है, 49 रुपीज़ से शुरू है, तो कम दाम से हम लोग शुरू करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे चीज़ फिल की जा रही है और आइटम्स मटीरियल सब भरे जा रहे हैं, तो आप लोग इंजॉय करो यहाँ मेकिंग प्रोसेस, और मैं फिर आपको मिलूंगी खाने के टाइम। Oh, 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 oh
मेरा कोन पिज्जा हाजिर है और यहाँ मैं थोड़ी क्लम्सी हो रही हूँ। ये गरम गरम था एकदम और मैं टेस्ट बताऊँ आपको बहुत ही अच्छा था, ठीक है। स्पाइसी भी था और मतलब जस्ट एग्जैक्ट लाइक पिज्जा ब्रेड, एकदम सॉफ्ट था अंदर में और उसके साथ भाई कुल्हड़ भी खा लिया मैंने, बड़ा मजा आया मुझे। तो गाइस सच बताऊँ तो 49 रुपीज में इट इज वर्थ इट। और अगर आप मुझसे पूछो तो सबसे पहले आप यहाँ पे जाना तो ये जरूर ट्राई करना। और अब आगे बढ़ते हैं मेन्यू में कि और मैंने क्या क्या चीजें ट्राई करी। तो कोन के बाद अब बारी आती है कुल्हड़ की और ये आपके सामने हाजिर है कुल्हड़ मोमो। आए हाय, मुंह में पानी आया कि नहीं भाई, बहुत टेम्पटिंग है, मेरे तो मुंह में पानी आ गया था इसको देख के और अभी भी आ रहा है, क्या बताऊं। तो ये जो है ये है 99 रुपीज का और फिर अभी आपके सामने हाजिर है कुल्हड़ पिज्जा। तो कुल्हड़ पिज्जा और कोन पिज्जा में बस इतना ही डिफरेंस है गाइस कि वो आपको कोन में मिलेगा, उसमें क्वांटिटी थोड़ी लेस होगी 49 रुपीज में, और ये आपको 99 रुपीज में मिलेगा और इसमें डेफिनेटली क्वांटिटी ज्यादा होगी। मतलब एक पर्सन के लिए ये काफी है। और हाँ, चीज की अमाउंट तो आप देख ही सकते हो। अरे यार, चीज लवर कहाँ हो आप लोग, जल्दी से आ जाओ बीबीटी। तो अब मुझे मिलेगा, हाँ मैं इसके मतलब क्या बताऊँ, अभी मजे ले रही हूँ मैं वीडियो देख देख के, एडिटिंग करते हुए भी मुझे मेरे मुंह में पानी आ रहा है, लग रहा है कब जाऊँ मैं बीबीटी वापस। तो अब जब मैं ये ले रही थी ना तो मेरे हाथ में ऑलरेडी कोन पिज्जा था। तो मैं आपको सही सही बताती हूँ, मुझे कुल्हड़ मोमो ज़्यादा पसंद आया, शायद इसलिए कि मैंने ऑलरेडी कोन पिज़्ज़ा ट्राई कर रखा था तो उसमें पिज़्ज़ा का टेस्ट मुझे मिल गया था। लेकिन कुल्हड़ मोमो वॉज समथिंग विच वॉज मेकिंग मी गो ड्रूल ओवर इट, लाइक इट वॉज सो यम्मी एंड 99 रुपीज में ही था गाइस, सो इट इज़ सो अफोर्डेबल। तो आपने वो दोनों हाथों में लड्डू वाली कहावत सुनी होगी, यहाँ मेरे दोनों हाथों में कुल्हड़ है, एक तरफ पिज्जा और एक तरफ मोमो। तो भाई शुरू करते हैं और कुल्हड़ मोमो से मैंने शुरुआत की। अरे क्या ही बताऊँ मैं, कितना टेस्टी था ये, बहुत ही अमेजिंग। और इसमें आपको 4 से 5 पीसेस ऑफ मोमो मिल जाएंगे, तो मतलब 99 रुपीज़ में इट वॉज सो यमी। चीज़ की क्वान्टिटी आप खुद देख सकते हो कितनी अच्छी है और मैं खाने में बिजी हूँ, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था मुझे। तो यहाँ पर देखो, मैं आपको दिखाती हूँ कितना सही है मतलब चीज़ का जो अमाउंट है। और हाँ, आपको इसे गरम गरम ही खाना है क्योंकि फिर आप इसे अगर ठंडा कर देते हो तो ये चीज़ जम जाती है और मैं तो यहाँ भाई फेल हो रही हूँ, मुझसे निकल ही नहीं रहा है मोमो। कभी कभी तो ऐसा लगता है ना कि हम लोग ना चम्मच कांटे से खा भी नहीं पाएंगे, हाथ दे दो भैया हाथ से खा लेंगे, बट ऑब्वियसली वो गर्म था तो हाथ से नहीं खा सकती थी। तो फिर मैंने फोर्थ स्पून वाला आइडिया ही ट्राई किया और ये देख लो चीज़ का अमाउंट, और फाइनली मेरे हाथ में आ ही गया मोमो जो कि मैं खा रही हूँ एकदम ऐसा बड़ा बड़ा मुंह करके। और ऐसे करते करते मैं गप गप सारे मोमोज खा ही गई एंड सच बताऊँ इट वॉज सो डिलीशियस, सो यमी। कुल्हड़ मोमो बहुत ही टेस्टी था। अब आ जाते हैं कुल्हड़ पिज्ज़ा पे और इसमें भी आप चीज़ की क्वांटिटी देख सकते हो। अब जितने देर में मैंने मोमो खाया ये थोड़ा ठंडा हो गया था, तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि भाई 1 by 1 ऑर्डर करो और 1 by 1 खाओ, ऐसा नहीं है कि एक ही बार में सब कुछ ऑर्डर कर दो। लेकिन हाँ, ये भी बहुत टेस्टी था, जो पिज़्ज़ा वाला टेस्ट होता है ना वो था इसमें, इट वॉज सो गुड। 99 रुपीज में यू आर गेटिंग सो मच। ग्रेट आइडियाज ऑलवेज कम्स फ्रॉम ग्रेट माइंड्स, ओके। तो आज हम लोग जानते हैं कि इस तरह का कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मतलब क्या आया होगा दिमाग में, क्यों कुल्हड़ पिज़्ज़ा ही क्यों। सो लेट्स आस्क आवर, नाम बताइए। मेरा नाम नेहा है। सो या मतलब ये जो आइडिया आया हम लोग को एक्चुअली क्या था कि यहाँ पर अभी फिलहाल पटना में स्ट्रीट फूड्स को लेकर के बहुत ही हाइप है सबका, ठीक है। तो हम लोग का कुल्हड़ को लेकर के ये था, लाइक कुल्हड़ का प्लानिंग हमारा बहुत पहले से था, अराउंड 1 ईयर, बट क्या हुआ कि पहले मार्केट में आ गया था, ठीक है। तो उसके बाद हमने सोचा कि कुछ यूनिक तो होना चाहिए क्योंकि विदाउट यूनिक यू नो कस्टमर्स आएंगे नहीं ज़्यादा, समथिंग ऐसा। तो हमने फिर सोचा कि कोन पिज़्ज़ा, क्यों ना कोन पिज़्ज़ा लाया जाए, क्योंकि हमने एक कोन चार्ट देखा था तो उससे हमने सोचा यूनिकनेस के लिए हमने सोचा कि एक कोन पिज़्ज़ा ले आते हैं जो कि एक रिजनेबल प्राइस में हो, लाइक स्टूडेंट्स बिकॉज बोनिंग रोड है, स्टूडेंट्स का ज़्यादा ये है लाइक उन्हें, और पिज़्ज़ा वगैरह है तो उन्हें ही अच्छा लगेगा चाइनीज़ एंड ऑल। तो इसी के लिए हमने सोचा कि एक रिजनेबल प्राइस में कुछ यूनिक लाएं, तो इसलिए ये कोन पिज़्ज़ा हमने लाया। यू नो एक तो इनका जो आइडिया है वो बहुत अच्छा है, दूसरी सबसे अच्छी बात ये है कि नेहा इज़ हैविंग अ पार्टनरशिप इन दिस एंड वो भी बहुत अच्छा है बिकॉज गर्ल्स आजकल हर चीज़ में आगे आ रही है। वैसे वो वाला पॉइंट में नहीं लाऊंगे बिकॉज काफ़ी ज़्यादा फेमिनिज्म हो जाता है, एवरीवन इज़ इक्वल राइट नाउ। बट हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो मैंने नेहा से अभी ऐसी पर्सनली पूछी थी रिगार्डिंग द बिजनेस, तो मैं क्यों ना कैमरे पे भी पूछूं कि ऐसे क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते नेहा, नॉट बीइंग अ गर्ल बट बीइंग अ बिजनेस वन। या लाइक इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा था स्टार्टिंग में, तो मतलब ये बिजनेस में जब भी होता है ना, लाइक ये कस्टमर्स को लाने के लिए मार्केट में एक वो होना पड़ता है, यू नो स्टेबिलिटी
थी कि कस्टमर्स कैसे आएंगे नहीं आएंगे। तो हमारा पहले जो लोकेशन था, आप लोगों को भी पता होगा, पहले टाटा मोटर्स के पास था। वहाँ पर भी हमारा अराउंड 15 डेज में हो गया था अच्छा खासा, 15 क्या आई थिंक 10 टू 12 डेज में हो गया था अच्छा। फिर लास्ट संडे वहाँ पर अच्छा खासा कस्टमर्स आए हमारे, अच्छा खासा सेल्स जाने लगा हमारा। बट उसके बाद क्या हुआ, हमें लोकेशन चेंज करना पड़ा किसी रीज़न से कारण। फिर वहाँ से जब हम लोग यहाँ आए अभी वेंडिंग जोन में, तो यहाँ भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट उसी के कारण वो जब कस्टमर्स थोड़ा कम हो रहे हैं, तो अभी ऐसा लग रहा है कि मतलब थोड़ा सा लगता है कभी कभी सेल्फ डाउट होता है क्या करना है नहीं करना है। फिर लाइक पार्टनर्स है दोनों, तो एक दूसरे को कभी कभी सपोर्ट मतलब कर लेते हैं, तो अब सोच रहे कि करना तो है, लाइक ये तो बैक ऑफ तो करना नहीं है, तो करना तो है, तो इसीलिए कर लेंगे। भाई शुरू किया है तो फिर अंजाम से क्या डरना है कि नहीं, मंजिल तो मिल ही जाएगी। तो आप क्या कहना चाहेंगी व्यूअर्स को? व्यूअर्स को बस यही बोलूँगी कि प्लीज़ आइए, यहाँ पर भी ट्राई करिए, क्योंकि बहुत लोगों को अभी अगर वहाँ पे अगर आप लोग आ रहे हैं तो प्लीज़ अब आप लोग, हमारा जो लोकेशन है वो चेंज हो गया है, अपोजिट प्रांजल अपार्टमेंट के 56 ब्लॉक के पास है, तो प्लीज़ यहाँ पर आइए, क्वालिटी भी अच्छा है। एंड इफ़ अगर आपको कुछ भी फीडबैक देना है आप प्लीज़ हमें फीडबैक दें कॉमेंट्स में, और प्लीज़ ज़रूर आकर के ट्राई ज़रूर करिए प्लीज़। थैंक यू। या श्योर, थैंक यू सो मच नेहा, यू आर सच अ स्वीटी। तो ये आपके सामने हाजिर है फ्राइड मोमोज, आए हाय कितना यमी है गाइस। और हाँ, अब मैं और बीबीटी दोनों मिलके आपके सामने हाजिर करते हैं प्लैटर, जिसमें अलग अलग तरह के पिज़्ज़ा एंड चीज़ कॉर्न सैंडविच, जो आप डेफिनेटली अलग से भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो चीज़ कॉर्न सैंडविच वॉज ओनली फॉर 69 रुपीज़ अगर आप अलग से लेते हैं तो। और कौन कौन से पिज़्ज़ा है वो मैं आपको स्क्रीन पर मैंशन कर दूँगी, क्योंकि भाई मेरा ध्यान तो फिलहाल खाने पर है। तो सबसे पहले चीज़ कॉर्न सैंडविच ट्राई करते हैं हम लोग। इसका मैंने आपको प्राइस बताया 69 रुपीज़, और आप खुद देखो, आए हाय यार, इट इज़ सो डैम गुड। तो गाइस मैं बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रही हूँ, बट सच में जो प्राइस आप यहाँ पे करते हो और जो फूड आपको मिलता है, इट इज़ डेफिनेटली वर्थ इट। और हाँ, आप ये प्लेटर पूरा भी ऑर्डर कर सकते हो। तो आई एम डेफिनेटली गोना रिकमेंड यू कि अब आपका नेक्स्ट जो फेवरेट फूड जॉइंट होना चाहिए ना अपने फ्रेंड्स के साथ, वो पक्का बीबीटी ही होना चाहिए। और ये रहा, अब मैं नॉर्मल पिज़्ज़ा ट्राई करूँगी, कुल्हड़ वाला नहीं। एंड ये भी बहुत अच्छा था, इसका क्रस्ट थिन था एंड इट वॉज सो सॉफ्ट, मुझे अच्छा लगा, ठीक है। तो इट वॉज सो नाइस, प्राइस भी बहुत ही लाइक अमेजिंग था, सो अफोर्डेबल है। सो गाइज, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? आई मस्ट से आपको पसंद आई होगी, जितना मुझे मज़ा आया है ना इस वीडियो को बनाने में, शूट करने में, एडिट करने में, उतना ही आपको भी आया होगा। अरे हाँ, एक और आइटम तो रह गया। तो भाई देर आए दुरुस्त आए, लास्ट जाते जाते आपको चिकन विंग्स के भी दर्शन करवा ही देते हैं। चलिए आपको तोड़ के दिखाती हूँ, अंदर में जो चिकन था ना वो काफी फ्रेश था और आउटर लेयर बहुत ही क्रिस्पी। अब भाई ये कॉम्बिनेशन, इसको कोई बुरा कह सकता है कभी? बहुत ही टेस्टी था। सो गाइज, आई रियली होप कि ये वीडियो आपको भी उतनी ही पसंद आई होगी जितना मैं पसंद कर रही हूँ इस वीडियो को, इस वीडियो के खाने को, और हाँ डेफिनेटली चिकन विंग्स को भी। तो अगर आप बहुत जल्द बीबीटी जाने वाले हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं ऐसे ही अमेजिंग वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए आई लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।